वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो, हम लोग हर बार जो है वो आप लोगों को टेस्ट देते हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम आपको जो भी टेस्ट दी गई थी इन द फॉर्म ऑफ MCQs, वो हम देखने वाले हैं उसका सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, द टेस्ट वॉज ऑन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जो भी टेस्ट था आपका वो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, जो आपका 5th chapter है, इसके ऊपर था, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखेंगे यहाँ पे, हु प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन से ऐसे पर्सन थे या कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि जो भी लाइफ इस अर्थ पे एग्जिस्ट हुई है, जिसे हम प्रोटोबायोजेनेसिस कहते हैं, ये प्रोटोबायोजेनेसिस जो है ये सबसे पहले किन्होंने प्रपोज किया था कि ये नॉन लिविंग थिंग, मतलब नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पे ये एल्फ्रेड वेलेस जो है ये तो डार्विन के साथ में उन्होंने काम किया है, तो ये तो वो नहीं है। चार्ल्स डार्विन भी नहीं है, लुईस पाश्चर भी नहीं है। इसका आंसर है ओपेरन एंड हेल्डन। इसका जो आंसर है वो है ओपेरन एंड हेल्डन, ठीक है। तो यहाँ पर ओपेरन एंड हेल्डन जो है इन्होंने, जैसे कि इसके ऊपर आपके पूरे सिलेबस में जो है वो ये भी दिया हुआ है, इसके ऊपर केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाला पूरा थ्योरी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो है ओपेरन एंड हेल्डन, ठीक है। तो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज बाय ओपेरन एंड हेल्डन, ठीक है। देन इसके बाद में अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि इन हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोलोगस रेसेसिव इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। नाउ यहाँ पे जो है वो हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल जो है इन्होंने इक्विलिब्रियम वाला प्रिंसिपल जो है वो प्रपोज किया है, जिसमें फ्रीक्वेंसी जीन का कितने बार रिपीट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे ये कहा है कि होमोलोगस रेसेसिव अगर इंडिविजुअल है तो उनकी जीन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है दैट इज क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसका प्रॉपर आपको जो है वो चेकर्स बोर्ड मेथड के थ्रू पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है व्हाइल स्टडिंग। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी थी पी स्क्वायर, एक फ्रीक्वेंसी थी क्यू स्क्वायर और एक फ्रीक्वेंसी थी पी क्यू, ठीक है, 2PQ। तो यहाँ पे इसका आंसर अगर रेसेसिव इंडिविजुअल है तो इसका आंसर रहेगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्यू थी और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी थी, ठीक है। आप इसको जो है वो आपके बुक में चेक करेंगे जो आपको चेकर्स बोर्ड मेथड के थ्रू बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्या कहा है, सिलेक्ट द एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है, सिलेक्ट द एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सेंटर में ले लेंगे हम क्वेश्चन को। सो यहाँ पे अभी देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है सिलेक्ट द एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे आपको जो है वो एविडेंसेस में बताया गया था। तो एविडेंसेस में जो आपको बताया गया है, ये एविडेंसेस में देखो हमें एनालॉगस ऑर्गन के बारे में डिस्कस करना है। एनालॉगस ऑर्गन का मतलब होता है कि वो ऑर्गन्स जो दिखने में एक तरह होते हैं लेकिन फंक्शंस जो हैं वो कैसे होते हैं, इनके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लिपर मतलब जो भी वो यूज़ करते हैं फॉर स्विमिंग, तो दिखने में जो है वो पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर लिम्स ऑफ वेल एंड बैट, ये जो है ये तो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। देन इसके बाद में थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा, ये तो जो है वो सेम ही, इनके दिखने में भी सेम है, फंक्शन भी नियर अबाउट सेम है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन्स, ठीक है। देन इसके बाद में वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आर्क्योप्टेरिक्स इज नोन एज मिसिंग लिंक बिकॉज इट इज अ फॉसिल एंड शेयर कैरेक्टर्स ऑफ बोथ।
ना यहाँ पे देखो इथाइल स्टेजिया आर्कियोप्टेरिक्स इसके बारे में बताया, और आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया गया है। आर्कियोप्टेरिक्स को मिसिंग लिंक या फिर कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। ये कनेक्टिंग लिंक है दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जो दोनों तरह के कैरेक्टर शो करता है। सम ऑफ द कैरेक्टर्स वो जो शो करता है वो रेप्टाइल्स के हैं, और सम ऑफ द कैरेक्टर्स जो ये शो करता है वो बर्ड के हैं। अगर आप बुक में देखोगे तो उसका प्रॉपर आपको डायग्राम भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड की तरह फोर लिम्स इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। रेप्टाइल की तरह इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, बर्ड की तरह बीक है, रेप्टाइल्स की तरह जो है इसके क्लॉज हैं। तो इस तरह से इसमें दोनों कैरेक्टर्स आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में जीन फ्रीक्वेंसी इज अ पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू, नाउ जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर एक पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। कब? अगर म्यूटेशन होता है तब। म्यूटेशन अगर होगा तो जीन्स चेंज होंगे, तो कांस्टेंट नहीं रह सकता। दूसरा है माइग्रेशन, अगर पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा वहां से छोड़कर दूसरी जगह चला गया तो जीन फ्लो हो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली वहां पे जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। देन नॉन रैंडम मेटिंग, नॉन रैंडम मेटिंग मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही आपस में मेटिंग करेंगे, तो ऐसे समय में भी जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो सकती है, वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है नेक्स्ट रैंडम मेटिंग, तो यहाँ पे रैंडम मेटिंग जो है वो इसका आंसर है कि जीन फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन की जो है वो कॉन्स्टेंट कब रहेगी, जब क्या रहेगा, रैंडम मेटिंग होगी। मतलब वहाँ पे जीन्स जो है वो बैलेंस किए जाएंगे, कभी अच्छे रहेंगे कभी बुरे रहेंगे, दैट विल बी ऑफ मिक्स टाइप, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शोन बाय द एप। एप जो हैं इनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो हुए हैं। तो जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बींग जो हैं वो एप हमारे क्या हैं, एंसेस्टर हैं, वी हैव इवॉल्व फ्रॉम एप्स। तो यहाँ पे देखो प्रोग्नेथस फेस होता है, प्रोग्नेथस फेस मतलब ऐसा जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ फेस, हमारा जो है वो ऑर्निथस फेस है, मतलब थोड़ा दबा हुआ है, प्रोग्नेथस फेस होता है एप का, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देन इसके बाद में चिन इज एब्सेंट, जो ठुड्डी होती है वो नहीं होती है एप में। तो अगर आप गुरिल्ला या फिर चिंपैंजी जो है इनका अगर आप थोड़ा सा दिमाग में लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी चिन नहीं होती, दैट इज अगेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप, हमें वो देखना है जो एप में नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं। देन फोर लिम्स आर लॉन्गर देन हाइंड लिम्स, जो सामने के हाथ होते हैं वो पीछे के पैरों से बड़े होते हैं, इसलिए आप देखो गुरिल्ला जो है वो जब खड़ा होता है तो उसके हाथ ज्यादा लंबे होते हैं, और पैरिया वो चलता जब है तो वो कैसा है, वो सेमी इरेक्टस पोजिशन में चलता है, क्यों, क्योंकि उसके हाथ जो है वो पैरों से लंबे होते हैं। तो ये तीनों कैरेक्टर जो है वो एप के हैं, लेकिन टेल इज एब्सेंट, ठीक है, सॉरी टेल इज प्रेजेंट, एप में टेल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, टेल इज प्रेजेंट लेकिन एप में टेल नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर है टेल इज प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एप में देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, डैश कैन बी कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। ये पूरी तरह से प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है आपके बुक में कि एप और मैन जैसे कैरेक्टर, मतलब कुछ कैरेक्टर्स उनके एप से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स उनके मैन से मिलते हैं, इसीलिए उन्हें जो है वो मिसिंग लिंक या फिर कनेक्टिंग लिंक कहा है बिटवीन एप एंड मैन, और वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमोहेबिलस नहीं है, क्योंकि वो हैंडीमैन के नाम से जाना जाते थे। होमो इरेक्टस जो है ये एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, यहाँ से ह्यूमन का इवोल्यूशन शुरू हो गया, ठीक है। नियंडरथेल मैन जो है ये भी जो है वो मैन की तरह दिखने वाले हैं, एप की तरह कम दिखते थे, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस ही एकमात्र इस तरह का टाइप है
ह्यूमन इवोल्यूशन में, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स एप के और कुछ कैरेक्टर्स मेन के आपको देखने मिलेंगे, इसीलिए इसका आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए आप क्या हो रहा है, द क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ नियंडरथेल मैन वॉज, जैसे मैंने आपको बताया कि इन द लाइन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग हमने पूरा चार्ट के थ्रू पढ़ा था, तो जो भी नियंडरथेल मैन है, नियंडरथेल मैन एंड पैकिंग मैन, जावा मैन, ये सारे मैंस के, क्रोमैग्नन मैन, ये सारे हमने नाम सुने हुए हैं, तो नियंडरथेल मैन जो है इनकी क्रैनियल कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी का मतलब होता है जो हमारा स्कल होता है, ठीक है, ये जो भी स्कल होता है उसके अंदर जो ब्रेन होता है, तो वो ब्रेन को फिट करने के लिए जो अंदर की कैविटी होती है, ठीक है, जो भी ब्रेन है ये स्कल के अंदर में आपका जो है वो ब्रेन होता है, तो यहाँ पे ये जो भी कैविटी है, ये कैविटी जो है उसकी जो कैपेसिटी है ब्रेन को फिट करने की, दैट इज कॉल्ड एज क्रैनियल कैपेसिटी, उसे क्रैनियल कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नियंडरथेल मैन की क्रैनियल कैपेसिटी जितनी ज्यादा, सीसी मतलब क्रैनियल कैपेसिटी, जितना ज्यादा क्रैनियल कैपेसिटी होगा उतना वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंट होगा, मतलब वो वेराइटी या वो स्पीशीज इंटेलिजेंट होगी, तो यहाँ पे नियंडरथेल का सीधा सीधा आंसर है कि 1400 सीसी जो है ये उसका क्या है, दैट इज द क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ नियंडरथेल मैन। देन इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा हम सेंटर में ले लेते हैं इसको। देन क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की ये थ्योरी, जैसे कि आपको पता है जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो हमने देखा था कि देर वर लॉट ऑफ थ्योरीज प्रपोज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, कई प्रकार की थ्योरीज जो हैं वो कई प्रकार के साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, उनके अपने अपने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू थे रिगार्डिंग प्रोटोबायोजेनेसिस की, पहला जो जीव है, जो जंतु है या पहली जो लाइफ है वो इस अर्थ पे कैसे आई, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरीज प्रपोज की गई थी, और उसी में से एक थ्योरी जो है दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब एकदम से तैयार होने वाला लाइफ, एकदम से अर्थ पे एग्जिस्ट हो गई, ऐसा इस थ्योरी का मानना था। तो यहाँ पे वही है कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी का स्टेटमेंट ये था कि इस धरती पे जो जीव जंतु तैयार हुए हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से हुए हैं, क्योंकि इसके पहले और भी किसी प्रकार का जो लाइफ है वो इस अर्थ पे कभी था ही नहीं। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो भी अर्थ पे अवेलेबल थे उनमें कुछ ऐसे एकदम से बदलाव हुए, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अचानक एकदम से जो बदलाव हुए उसकी वजह से वो नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो गए, ऐसा इस थ्योरी का कहना है। तो इसका आंसर है लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट अगेन हम इसको थोड़ा सा सेंटर में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नाउ सी, हाँ सो इसके बाद में अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हेन मैन मेक्स द सिलेक्शन ड्यूरिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ, जब ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स तैयार करते हैं जिसके मदद से नई जनरेशन तैयार होगी। अब ह्यूमन बीइंग का अगर इंटरफेरेंस आ गया, मतलब वो जो है वो पेरेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है जिसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें भी हमने देखा कि पेरेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, मेंडल ने पेरेंट सिलेक्ट किए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में क्या हो रहा है कि हम हमारे हिसाब से बेटर क्वालिटी, हाइब्रिड क्वालिटी ऑफ पेरेंट को सिलेक्ट करें ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो हमें हाई क्वालिटी की मिले। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि जब मैन ह्यूमन बीइंग जो है वो जब सिलेक्शन करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है रेयरिंग ऑफ एनिमल, जब आप किसी प्रकार के जानवरों को पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, और उसके बाद में उसमें उन जानवरों के बीच में जो है वो ब्रीडिंग प्लान्स करते हो या ब्रीडिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो उसे क्या कहा जाएगा या वो किसका एग्जाम्पल है, तो रिवर्स इवोल्यूशन नो, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन
म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन तो बिल्कुल नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेचर नहीं कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है, ठीक है। रिवर्स इवोल्यूशन, आप जो है वो जो भी विकास हुआ है इस धरती पे रहने वाले जीव जंतु के बीच में, वो उसको आप दोबारा उल्टा नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए रिवर्स इवोल्यूशन भी नहीं है। बचा क्या, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन बींग कर रहा है, और ह्यूमन बींग जो भी करता है वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर रहेगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका पूरा पेपर एक्सप्लेन किया गया है, ये जो है ये आपके पूरे आंसर्स हैं हर एक क्वेश्चन के, तो इस तरह से आंसर्स यहाँ पे टिक किए हुए हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आपका जो भी टेस्ट पेपर था उसके सारे आंसर्स को हमने सॉल्व किया है, या हम बोल सकते हैं डिस्कस किया है। तो इस तरह से आपका टेस्ट पेपर था। अगले वीडियो में हम हमारे आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।